यूक्रेन का ऐलान, यूक्रेन का मिटेगा नामो निशान। चौबीस घंटे में बटन ऑन, कीव खा, यूक्रेन तबाह। पुतिन का टारगेट 6 मई, ज़ेलेंस्की की जान गई। मॉस्को में ब्लास्ट, कई देश होंगे नक्शे से साथ। पुतिन के बंकर से चलेगा सबसे बड़ा विनाशक। अस्सी साल बाद क्रेमलिन पर आक्रमण, यूक्रेन के सर्वनाश तक नहीं रुकेगा रण। और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, क्रेमलिन में ड्रोन अटैक के कुछ ही घंटे बाद पुतिन ने सबसे बड़े बदले का ऐलान कर दिया है। जी हां, अगले 24 घंटे रूस जो है कुछ बड़ा करने वाला है। अगले 24 घंटे ज़ेलेंस्की और यूक्रेन पर भारी बताए जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की से लेकर अमेरिका तक को डर सता रहा है कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं हो जाएगा, लेकिन पुतिन के टारगेट पर अब वो देश आ गए हैं जो ज़ेलेंस्की का साथ दे रहे हैं। ये बड़ी खबर है, वो देश जो ज़ेलेंस्की का साथ दे रहे हैं। रूस का कहना है कि यूक्रेन ने अमेरिका के कहने पर इस हमले को अंजाम दिया। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि यूक्रेन वही करता है जो उसे कहा जाता है। अमेरिका इस तरह के हमले के फैसले कीव में नहीं, वॉशिंगटन में लिए गए, जिसे यूक्रेन ने पूरा किया। अमेरिका को अच्छी तरह जानने देना चाहिए कि हम उसकी नियत से वाकिफ हैं। ये रूस की तरफ से सीधी चेतावनी दे दी गई है। क्रेमलिन के किले में हुए अटैक के बाद पुतिन तिलमिलाए हुए हैं। इस एक अटैक ने विश्व युद्ध को चिंगारी दे दी है। महाविध्वंस के 3 मोर्चे इस वक्त दुनिया में एक्टिव हो चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि पुतिन के टारगेट पर अब वो देश हैं जो ज़ेलेंस्की का साथ दे रहे हैं। मॉस्को पर हुए हमले के बाद पुतिन अपने सबसे खतरनाक बदले की तैयारी में है। पुतिन आग बबूला है और किसी भी वक्त ज़ेलेंस्की के डेथ वारंट पर साइन कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की के खात्मे का प्लान रूस में कहां तैयार हो रहा है, इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले देखिए कि पुतिन ने अपने बंकर में बैठकर क्या क्या प्लान तैयार किया है। अपने बंकर में बैठे पुतिन ने बड़ा फैसला लिया है। रूस के राष्ट्रपति का संदेश साफ है कि अभी तक दुनिया ने सिर्फ पुतिन के गुस्से का ट्रेलर देखा था, लेकिन अब विनाशकारी पिक्चर देखने वाली है। पुतिन के टारगेट पर अब सिर्फ यूक्रेन और ज़ेलेंस्की नहीं है। अब पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि जो भी ज़ेलेंस्की के साथ है उनका नामो निशान मिटाकर ही वो दम लेंगे। पुतिन ने आदेश दिया है कि यूक्रेन के शहरों को पूरी तरह से शमशान में बदल दिया जाए। ऑर्डर मिलते ही रूसी सेना ने आसमान से मौत और तबाही की बारिश शुरू कर दी। रूस के राष्ट्रपति भवन पर हुए ड्रोन हमले के बाद यूक्रेन के कई शहरों पर पुतिन का गुस्सा कहर बनकर टूट रहा है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि पिछले 24 घंटे में रूस ने 2 मिसाइल दागी है और 68 हवाई हमले किए हैं, जिसमें कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं और शहर के शहर खाक में बदल गए हैं। यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया कि रूस ने एक साथ 24 ड्रोन से हमला किया, जिसे यूक्रेन ने नाकाम कर दिया और इस दावे के साथ हमले का वीडियो भी जारी किया। मॉस्को, कीव, ओदेसा समेत कई बड़े शहरों पर ईरानी ड्रोन शाहिद 136 से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है।
हालांकि यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। रूसी कब्जे वाले डोनेस्क में यूक्रेन ने जवाबी हमला किया है, जिसके बाद वहां के रिहायशी इलाके में तबाही का मंजर देखा। बताया गया कि हमले की वजह से घर की खिड़कियां उड़ गए, छत के परखच्चे उड़ गए। यूक्रेन की राजधानी कीव में लगातार धमाकों की आवाज सुनाई पड़ रही है। कीव में लगातार पुतिन की सेना ने एक के बाद एक कई धमाके किए। रूसी फौज ने यूक्रेन के ओदेसा में भी बमों की बारिश कर दी, जिसके बाद कीव, खार्किव, ज़ापोरिज़्या, मिकोलाइव, सुमय के साथ कई दूसरे शहरों में हवाई हमलों की चेतावनी जारी कर दी गई। पुतिन के गुस्से का अलार्म यूरोपियन यूनियन में बजने लगा है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर है, जिसमें बताया गया है कि समंदर के अंदर रूस एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और उसके निशाने पर सबमरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। यूरोप और अमेरिका को अंदेशा हो चुका है कि पुतिन के गुस्से को शांत नहीं किया गया तो कुछ ही दिनों में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी और कई देश रूस के गुस्से का शिकार होंगे। सबसे ज्यादा खतरा नाटो के देशों को है, जो रूस के करीब हैं। इस बीच रूस के द्वितीय सुरक्षा प्रमुख दिमित्री मेदवेदेव ने धमकी दी है, जिससे यूक्रेन को बुरे अंजाम का डर सताने लगा है। पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव रूस के राष्ट्रपति भवन पर हुए हमले के बाद यूक्रेन पर आग बबूला हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने सारी हदें पार कर दी हैं और अब समय आ गया है कि ज़ेलेंस्की को खत्म करना ही पड़ेगा। इसके साथ ही यूक्रेन को धमकी देते हुए उन्होंने कहा कि इस हमले के बाद ज़ेलेंस्की और उनके लोगों के पास मौत के अलावा अब कोई विकल्प नहीं बचा है। दिमित्री मेदवेदेव एक ऐसे पद पर हैं जिनके ऊपर क्रेमलिन की सुरक्षा के साथ ही पूरे रूस की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी है, लेकिन अब क्रेमलिन पर ड्रोन हमले के बाद जिस तरह से दिमित्री मेदवेदेव ने ज़ेलेंस्की को मारने की बात कही है, उससे आशंका जताई जा रही है कि पुतिन जल्द ही यूक्रेन के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, या यूं कहें कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली है। रूस यूक्रेन युद्ध को 14 महीने बीत गए। पिछले साल 24 फरवरी को दोनों देशों के बीच भीषण जंग शुरू हुई थी और अभी भी ये जंग जारी है, लेकिन अब पुतिन ने फाइनल फैसला कर लिया है कि सिर्फ यूक्रेन की तबाही तक वो नहीं रुकने वाले हैं। पश्चिमी मीडिया की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने एक बार फिर ज़ेलेंस्की की हत्या का प्लान एक्टिव कर दिया है। पिछले साल भी व्लादिमीर पुतिन ने एक वैगनर ग्रुप नाम की प्राइवेट मिलिशिया को ज़ेलेंस्की और 23 सरकारी अधिकारियों की हत्या के लिए यूक्रेन भेजा था। इस मिलिशिया को येवगेनी पिरोग्जिन चलाता है, जो पुतिन का बेहद करीबी है और पुतिन के शेफ के नाम से मशहूर है। अब दोबारा इस ग्रुप को ज़ेलेंस्की की हत्या का टारगेट दिया गया है। पुतिन के ग्रीन सिग्नल मिलते ही ये मिलिशिया यूक्रेन रवाना हो चुकी है। आगे बढ़े।